अस्सलाम वालेकुम ऑल, वेलकम टू द मशहूर जायका। आज हम बनाएंगे तिल के लड्डू। तो चलिए इसको देख लेते हैं कैसे बनाते हैं, थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में। तो एक पैन लेंगे हम, उस पैन में हम 2 कटोरी तिल ऐड करेंगे। इस समय सीड्स जिसको बोलते हैं, जितना मैंने कटोरी लिया है उतना ही मैंने उसी कटोरी से गुड़ भी लिया है। तो जितना हम तिल ले रहे हैं उतना ही हम गुड़ लेंगे। तो इसको हम अच्छे से सॉटे कर लेंगे, जब तक ये अच्छे से चटक नहीं जाती और भुन नहीं जाती। इसमें एक अलग ही तरीके की आवाज़ आती है इसका, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी तिल जो है अच्छे से भुन गई है। तो हमें इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है, कम से कम 1 मिनट के लिए इसको हम अच्छे से भुन लेंगे। तो ये हमें जो है थोड़ी थोड़ी लाइट ब्राउन हो गई होगी, आपने देखा होगा इसको। तो चलिए इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं, थोड़ा इसको ठंडा कर लेंगे। इसको खुली प्लेट में ही निकालिएगा ताकि ये ठंडी हो जाए। अब इसी कढ़ाई में हम 1 टेबल स्पून हम इसमें घी ऐड करेंगे। तो घी हमारा जब अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें अपनी जैगरी यानी गुड़ डाल देंगे। तो जितना मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जितनी मैंने तिल लिए 2 कटोरी, उतना ही मैंने 2 कटोरी गुड़ लिया। अब इसमें हमारा जो सीक्रेट है वाटर है, तो हम इसमें 2 टेबल स्पून वाटर ऐड करेंगे, जिससे हमारा जो जैगरी जो हमारा गुड़ है वो तले को चिपकेगा भी नहीं और ये अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएगा और लॉन्ग टाइम सॉफ्ट रहेगा आपका गुड़, स्टिकी नहीं रहेगा बिल्कुल भी। तो आप वाटर ज़रूर ऐड करिएगा, इससे क्या होता है हमारा जो ये गुड़ है वो बिल्कुल भी चिपकता नहीं है, स्टिकी नहीं होता है और लड्डू जो है हमारे हार्ड नहीं होते हैं। तो ये अच्छे से गुड़ हमारा मेल्ट हो गया है। अब मैं इसमें 2 पिंच इलायची पाउडर डाल रही हूँ, ऑप्शनल है, फ्लेवरिंग के लिए डाल रही हूँ। आप डालना तो चाहे तो डालिए, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसको हमें एक बॉईल आने तक उबालना है। तो देखिए एक बॉईल आ गया है, अब इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। तो हमने इसको वाटर में डाल दिया है ठंडे पानी में, तो इसकी एक बॉल हमारे पानी में अगर बन के तैयार होती है तो हमारा गुड़ एकदम परफेक्टली रेडी हो चुका है इसका मतलब। तो देखिए अब अच्छे से इसकी बॉल बन रही है, हाथ को चिपक नहीं रही है, तो हमारे लड्डू भी हाथ को नहीं चिपकेंगे। तो ये एक साइन है हमारा जो गुड़ है बहुत ही परफेक्टली अच्छे से पक के तैयार हो गया है। अब मैं फ्रेंड्स इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून डेसिकेटेड कोकोनट, पूरी तरीके से ऑप्शनल है। इससे क्या होता है हमारे जो तिल के लड्डू हैं बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं, लॉन्ग टाइम तक सॉफ्ट रहते हैं और खाने में भी बहुत ही टेस्टी हो जाते हैं और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छे से चेंज हो जाता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अपनी भुनी हुई तिल, मैंने गैस की फ्लेम ऑफ कर दी थी। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, पूरा गुड़ के तिल में मिक्स कर लेंगे अच्छे से और ठंडा करने के लिए 5 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। तो ये हमारा अच्छे से ठंडा हो जाए इसके लिए हम इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। उससे पहले आप चाहें तो प्लेट में घी या तेल से ग्रीस कर लीजिएगा, नहीं तो ऐसे ही आप डाल सकते हैं, ये ज़्यादा चिपकेगा नहीं क्योंकि हमने इसमें डेसिकेटेड कोकोनट डाला है। तो ये ठंडा हो गया है, हाथों को अच्छे से चिकना कर लीजिए घी या ऑयल से। अब इसकी शेप बनाइए, आप देखिए, आप खुद ही देख सकते हैं हाथ में हमारा बिल्कुल भी ये मिक्सचर जो है चिपक नहीं रहा है बिल्कुल भी। तो ये हमारा परफेक्टली तैयार है। तो इसी तरीके से आप भी बनाएं, देखिए कितने यम्मी और टेस्टी बनते हैं। आप इसको एक बार बना के देखिएगा ज़रूर। तो बन के तैयार है हमारे तिल के लड्डू। इसी तरीके से हम सारे बना लेंगे अपने लड्डू। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी हमारे हाथों को बिल्कुल नहीं चिपक रहा है, मैंने एक ही बार ऑयल लगाया हाथों में। तो इसी तरीके से हम अपने सारे लड्डू जो हैं राउंड शेप में बना के तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये संक्रांति में बहुत बनाए जाते हैं, तो आप भी इसको बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा। इस तरीके से बनाएंगे तो आप इसको कम से कम 15 to 20 days के लिए भी स्टोर करके एक टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। तो ये इस तरीके से एक स्ट्रेनर में या छन्नी में डाल के हम इसको इस तरीके से करेंगे तो देखिए टूट भी नहीं गए और हमारी इसकी शेप भी हमारी परफेक्टली रेडी हो गई है। तो चलिए करते हैं इसकी प्लेटिंग। तो हमने इसकी प्लेटिंग कर लेंगे, देख सकते हैं आप कितने अच्छे बन के तैयार हुए, कितने परफेक्टली सारे ही लड्डू हमारे राउंड राउंड शेप में तैयार हो गए हैं। तो अब मैं आपको इसको अंदर से भी तोड़ के बताती हूँ और कितने सॉफ्ट बने हैं, ये बिल्कुल हार्ड नहीं है, बहुत अच्छे से सॉफ्ट बन के हमारे लड्डू जो हैं तैयार हुए। तो इसको हम तोड़ते हैं, देखिए कितने सॉफ्ट है, देख सकते हैं आप इसके अंदर तक गुड़ पूरा हमारे तिल के कि तिल को हमारा गुड़ लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स आप भी बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए तिल के लड्डू। तो मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लाते रहूँगे ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए, इसलिए मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।